गंगा मैया कैसे स्वच्छ और निर्मल बनी रहे, इसके लिए गंगा समग्र के कार्यकर्ता काढ़ागोला घाट पर लगातार प्रयासरत है। बताते चले कि गंगा समग्र के कार्यकर्ताओं द्वारा विगत 5 वर्षों से लगातार काढ़ागोला घाट पर स्वच्छता एवं जागरूकता कार्यक्रम करती आ रही है। प्रत्येक रविवार गंगा समग्र के कार्यकर्ता प्रातः काल पहुँचते हैं और बड़ी ही तमन्ना से गंगा किनारे फैले कचरा को स्वच्छ करते हैं एवं जागरूकता के लिए प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पूरे विधि विधान से गंगा मैया का पूजन आरती करते हैं। आज 269वां रविवार यानी सप्ताह स्वच्छता कार्यक्रम का पूर्ण किया गया। गंगा समग्र के जिला संयोजक नवीन चौधरी यानी बाबा ने बताया कि गंगा समग्र के कार्यकर्ता पूरे भक्ति भाव से गंगा मैया कैसे स्वच्छ एवं निर्मल बनी रहे, इसके लिए भागीरथी प्रयास करती है। बाबा ने सभी श्रद्धालुओं से 1 घंटा श्रमदान देकर गंगा मैया को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने में सहयोग कर पुण्य के भागीदारी बनने का आह्वान किया। कहा कि गंगा मैया हमारी सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, इसे बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। प्रखंड संयोजक मनोज शाह ने कहा कि काढ़ागोला घाट में ऐतिहासिक स्थल है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान पूजा करने आते हैं, लेकिन यहां श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का सुविधा उपलब्ध नहीं करवाया गया है, जबकि प्रशासन एवं प्रतिनिधि को इसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। इस कार्यक्रम में जिला संयोजक नवीन चौधरी बाबा, प्रखंड संयोजक मनोज शाह, जीवच गुप्ता, राजकुमार शाह, मन्नू शाह, राजेश यादव, लक्ष्मण भगत, राजेश शाह, फकीर पंडित, राजीव शाह इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे।